ये तो मॉडलिंग का था, फिर आपने रैंप पे भी वॉक किया? मैंने रैंप इंटरनेशनली रैंप भी किया और बहुत रैंप वॉक की. उसके अलावा फिर मुझे जो एक्टिंग में लेकर आईं वो भी वन ऑफ द लेजेंड सवेरा नदीम मैम. मुझे फर्स्ट एक्टिंग का चांस जो है वो मैडम सवेरा ने दिया और मेरा फर्स्ट प्ले था उज़मा आपा के साथ, उज़मा गिलानी. वो प्ले मैं कभी भी नहीं भूल सकता. डाक बाबू के नाम से वो प्ले था और वो मेरा स्टार्ट था. और मुझे याद है कि जब मैं सवेरा ने मुझे कहा कि आप समीर एक्टिंग करोगे तो मैं हंसना शुरू हो गया. मैंने कहा मॉडलिंग होती नहीं है, एक्टिंग मैं कहाँ से करूँगा. उससे पहले एक डायरेक्टर हैं, एक फिल्म के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया. खबर भाई ने कहा कि तुम ऑडिशन दो. मैंने कहा खबर भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा. तो मैं आज उनका भी थैंक यू बोलता हूँ. जब वो जब मुझे मिले भी तब भी मैंने उनको थैंक्स बोला कि जब मैं ऑडिशन के लिए गया उनके पास तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिंदगी भर भी लगे रहो ना, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते. अच्छा. मैं सीढ़ियाँ उतरा, मैं वापस आया. मैंने कहा यार अच्छा ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टास्क है जो मुझे मिल गया है कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते. उसके बाद फिर मैंने मेहनत करना शुरू की. जब मैम सवेरा मिली, उनके साथ काम किया, फिर सरमद मेरे स्टार्ट में, सरमद ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया. अमीन इकबाल ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया मेरे स्टार्ट के करियर में. जितने भी ये डायरेक्टर्स हैं, शाहिद जहूर हैं, ये लोग, इनके साथ फिर मैंने काम करना शुरू किया. तो क्या आपने क्या इम्प्रूव किया? मतलब उन्होंने बोला कि आप तो एक्टर बन ही नहीं सकते, फिर आपने अपने आप को कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव किया, क्या किया? अच्छा, मैंने फारूक जमीर साहब, बहुत ही प्यारे इंसान, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने कहा कि तुम ना अपने वोकल पे काम करना शुरू करो. तो मैंने कहा अच्छा उसके लिए क्या करूँ. उन्होंने कहा कि ज़िया मुहीद्दीन साहब को सुनना शुरू करो, आप अच्छे जितने भी एक्टर्स हैं जिनका एक्सेंट अच्छा है, गाने गुनगुनाना शुरू करो, लाउड आवाज़ में बोलना शुरू करो. गाड़ी में बैठ जाता था, गाने लगाता था और लाउडर आवाज़ में जो है वो गाता था. उसके अलावा ऊंची आवाज़ में नमाज पढ़ना शुरू करो, कुरान पाक की तलावत ऊंची आवाज़ में, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होना शुरू हो. तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे ग्रेजुअली मुझे खुद में फ़ील होना शुरू हो गया. फिर जब आप किसी भी अच्छे, मैं नोमी भाई के साथ काम किया, उनको देखा कि अच्छा वो क्या करते हैं, या और जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फॉलो करना शुरू किया. जब जैसे जैसे वो डायलॉग्स बोलते थे फिर मैं पीछे पीछे उनके डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते थे वीडियो लगा के. तो वो इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस को किया. अभी मेरे जितने भी नए कोलीग मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें. तो मैंने कहा भाई जब मैं आया था मेरा एक्सेंट भी बहुत बुरा था, लाहौरी एक्सेंट था और कोई इतना अच्छा नहीं था, मुझे एक्सप्रेशंस का इतना नहीं पता था. तो बात में उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मेहनत करने से आप कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि मेरा शौक नहीं था, मैंने ज़िंदगी में कभी भी रुक कर शूटिंग नहीं देखी, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी एक्टर के पास जाकर उसका ऑटोग्राफ नहीं. बचपन में भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा? नॉट एट ऑल, ये कभी ख्याल नहीं. हाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा अगर कोई मुझे ऐसे बचपन में कि अगर कोई मुझे रोक के कहे कि तुम एक्टर बनोगे तो तुम क्या जवाब दोगे. हाँ. ये मैंने खुद से मैंने कहा अच्छा. सॉरी मैं ये मेरा काम नहीं है. ये आपने बोल दिया ना नेवर, तो बस फिर तो बस वो उसके बाद से ऑनेस्टली मैंने इस फील्ड को 3-4 बार क्विट किया है कि मुझे नहीं करना. तो फिर वापस कैसे आ गए, किस स्टेज पे क्विट किया? सही बताऊं आपको? हां सही बताओ. आगे काम नहीं चला फिर वापस आ गए कि भाई यहां से पैसे तो मिल रहे हैं ना. ओके तो सच्ची बात ये है. बट आपने इसको एज अ चैलेंज लिया मुझे लगता है, शौक तो. हां नहीं नहीं, बट अब क्या है, अभी भी एक्टिंग? अब एक्टिंग चैलेंज है. अच्छा, पैशन नहीं बना अभी? पैशन नहीं है. मैं हमेशा से डिफ़िकल्ट, मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद को हीरो नहीं लगा. मेरी अपनी ज़ात खुद को कभी हीरो नहीं लगी. हालांकि मैंने शुरू में तो आपने रोल्स किए हैं, मेन रोल आपके कुछ ड्रामों में तो आए हैं. करता रहूँ. हाँ मैंने बहुत सारे प्लेस में मैंने किया. ये मैंने लास्ट सुनो चंदा था जिसमें फ़र्स्ट टाइम मैं एज अ फादर आया. और उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मुझ पर ये कहीं कॉमेडियन की छाप तो नहीं लग जाएगी, या मुझे सिर्फ ये मेडिसिन चाहिए, तबीयत ख़राब हो रही है, लोग मुझे सिर्फ इसी ब्रैकेट में ब्लॉक ना कर दें, तो उसके फ़ौरन बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुश्क की. इमरान अशरफ का लिखा हुआ मुश्क, और उसमें एहसन तालिश ने उसको डायरेक्ट किया. तो उसमें एक कोई ओल्ड एज करेक्टर था, तो वो मुझे एकदम से हिट किया. मैंने कहा यार अगर मैं ये करेक्टर अच्छे से प्ले करता हूँ और मैं रिकग्नाइज ना करवा पाऊँ लोगों को कि ये सुहेल समीर है, तो ये मेरा चैलेंज था. और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब हुआ और लोगों ने नहीं रिकग्नाइज किया. जब पता चला मैंने कहा अरे ये तो वो है. तो ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अल्लाह ने मुझे फिर मेरी चाहत के हिसाब से मुझे नवाज दिया. जब ये हो गया मैंने कहा अच्छा यार, फिर खुदा और मोहब्बत की बात चल रही थी, तो एक ऐसा करेक्टर जिसमें नॉर्मल सा करेक्टर था, कुछ नहीं ऐसा कि एक विलन टाइप कुछ ऐसा है, और विलन भी नहीं है वो, बेसिकली अपनी एक अना का कैदी टाइप इंसान है.
तो वजह से मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा वजह मैं इसको ज़्यादा कलर्स में नहीं जाऊँगा। कह रहा क्यों? कह रहा ये तो बहुत कलरफुल इंसान है। मैंने कहा ये कलरफुल इंसान है, अय्याश नहीं है। मैंने कहा ये कम पढ़ा लिखा इंसान है और आगे खुद को बड़ा दिखाना चाह रहा है। तो मैंने कहा मैं बेसिक्स कलर्स में रहूँगा, तीन चार कलर्स पहनेंगे। मैंने कहा ये इसमें ना वो मैंने वो बाली वो पहनी कि ये दोनों का कंट्रास्ट रहे कि अनपढ़ भी है और पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करता है और इस तरह से। तो वो जब आपकी मूंछों का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो उसमें वो ये था। लेकिन ये बताएं अभी आपकी लुक बड़ी डिफरेंट है। मैं अब पुरानी पिक्चर्स भी आपकी देखती हूँ तो बिल्कुल क्लीन शेव्ड, बड़ी हीरो और वो सब, वो कभी मूड नहीं होता उस तरफ दोबारा जाने का। अब तो कॉन्स्टेंटली मैंने अभी जितने आपके ड्रामे भी देखे हैं और वैसे भी, तो यू स्टेइंग विद द, ये कोई कॉन्शियस आपने चेंज ऑफ लुक रखी हुई है या क्या? ये इसके पीछे भी एक बड़ा बहुत बड़ा सच है कि मैं बेड नहीं कट करवा पा रहा क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रोजेक्ट साइन कर रहा हूँ। एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है, तो दूसरे में भी वही लुक चल रही होती है, तो मैं इसी को बड़ा छोटा करके तो मैनेज कर रहा होता हूँ। तो ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बेड रख के तो उसको जो है वो कैरी कर रहा हूं। तो बड़ी गुड लुकिंग पिक्चर्स है, नॉट दैट यू आर नॉट लुकिंग नाइस विद दिस आल्सो। नहीं मैं, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही हूं। वो मैंने ना थोड़ी चेंज किया, मैंने कहा मैं पूछूंगी कि क्या क्या फिलॉसफी है इसके पीछे। फिलॉसफी नहीं, सिर्फ ये है कि मैं कमिटमेंट के साथ चल रहा होता हूं कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा हुआ होता तो मुझे उसकी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, मैं एक फिल्म कर रहा हूं पिछले कोई 1.5-2 साल से, उसका नाम है चौधरी, तो उसमें मेरी ये लुक थी और वो फिर मैं बेड को नहीं बना सका और उसी में फिर ये सारे प्रोजेक्ट्स होते चले गए। तो बस इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी बेड और लुक्स को के किसी तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाऊं और मेरी वजह से कभी ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी जम पाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में शायद एक आध बार ऐसा हुआ हो कि मेरी वजह से शूट डिले हुई हो, कैंसिल नहीं हुई। तो मॉडलिंग कब छोड़ दिया आपने? कब सोचा कि बस अब मॉडलिंग नहीं मुझे करनी है? मेरा ख्याल है अभी कभी ऑफर्स आती हैं तो सब तो बड़ा, अभी तो आजकल भी बड़ा वो ज़माना आ गया ना जब नहीं, अब आपका आपको मॉडलिंग रैम वॉक के लिए सिर्फ दो वजहों से वजूहात की बिना पर कॉल आती है, या तो आपकी पीआर बहुत अच्छी है या फिर आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो इसलिए मॉडलिंग के लिए टीवीसीज के लिए तो आती रहती हैं कॉल्स। बट ये सोशल मीडिया का प्रेशर फील होता है आपको बिकॉज इंस्टा पे के पोस्ट करें वो करें और यू आर लाइक नहीं यार मैंने नहीं करना, बस जो है वो है। मैं बीच में मुझे होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ दोस्त मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तो फिर मैं करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव है एहसन भाई का और अपना नादिया का। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम भी इन दोनों ने ही उन्होंने एक्टिव करवाया। अच्छा। और तुम देखो तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने बढ़ेंगे और तुम पोस्ट नहीं लगाते और तुम्हें होना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। तो स्टार्ट में तो मैंने किया, फिर मुझे ये एक ड्यूटी लगना शुरू हो गया और वो और मेरे लिए अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे दूसरों को क्यों बताऊँ कि मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। लोगों को जानना है कि क्या खा रहे हैं आप। सही है, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी हर बात हर एक से कैसे शेयर कर सकते हैं, तो मुझ में ये नहीं है। अब हमारे यहाँ पर सारी शादियाँ सोशल मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं, इवन दो प्रेगनेंसीज की भी सारी जो है वो डिटेल्स उस पर जा रही होती हैं।